नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित राय और स्वागत है आप सभी का इन फोकस सिविल एकेडमी आईसीए पर। दोस्तों, अपनी इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, उसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। साथ ही हम लोग ने अर्थशास्त्र के जो दो पार्ट्स हैं या क्लासिफिकेशन है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसको हम लोगों ने समझा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि आर्थिक क्रियाएं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं उनका क्या क्लासिफिकेशन होता है, उसको हम लोग जो है तीन सेक्टर्स में जो बांटते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। यहाँ तक आपकी क्लास हुई थी और इनको मुझे समझाना था कि ये तीनों सेक्टर्स जो है वो कौन से हैं, क्या होता है इनमें। इसके अलावा जो आजकल चतुर्थ या पंचक क्षेत्र यानी क्वार्टरनरी और क्वाइनरी सेक्टर भी जोड़ दिया गया है, तो उसको उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। हालांकि ये कुछ बुक्स में ही आप लोगों को मिलेगा, ज़्यादातर में आप लोगों को तीन सेक्टर्स ही मेन है और उन्हीं के बारे में लिखा होता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमने बताया था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो दरअसल एक ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिससे कि जो मानव के जो भी एक्टिविटीज होती हैं जिनसे कि इनकम का सृजन होता है यानी इनकम क्रिएशन होती है, आय का सृजन होता है, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रखते हैं। ये बेसिकली तीन तरह की हो सकती हैं। उनमें जो सबसे पहली आती है वो आती है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। और दोस्तों, इससे एक अलग से आज हम लोग इसीलिए टॉपिक लिए हैं क्योंकि इससे प्रश्न कई बार पूछ दिए जाते हैं एग्जाम्स में, इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर आते हैं। तो देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब समझते हैं प्राइमरी सेक्टर जो है ये क्या होता है। तो देखिए, जो भी हमारा जो प्राकृतिक संसाधनों यानी नेचुरल रिसोर्सेस से रिलेटेड, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित जो भी एक्टिविटीज हैं, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित क्रियाकलाप जो भी हैं मानव के, वे सभी जो है प्राइमरी सेक्टर्स में रखे जाते हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या आते हैं, जैसे आपका भूमि हो गया, लैंड हो गया, जल हो गया, वाटर, वनस्पति हो गया, या खनिज हो गया आपका। तो ये सभी देखिए प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन में जो भी इनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मान लीजिए कि भूमि पे अगर कोई खेती कर रहा है, या जल में अगर कोई मछली पाल रहा है, ठीक है, इसी प्रकार से वनस्पति में कोई वानिकी का कोई कार्य करना, या जैसे खनिज है तो खनिज में जो है जो माइनिंग होती है उसको करना, खनन करना, तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा होती हैं। मतलब अगर कोई किसान अपने खेत में किसानी कर रहा है तो वो एक प्राइमरी सेक्टर का व्यक्ति कहा जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में वो योगदान देता है। और इसमें अगर बेसिकली हम लोग देखें तो इसमें चार जो है इसके कंपोनेंट्स होते हैं, चार होते हैं। तो उसमें एक पहला तो यही होता है कृषि व संबद्ध क्षेत्र, यानी कि अगर कोई किसानी कर रहा है या फिर संबद्ध क्षेत्र में आ जाता है कि जैसे कृषि तो खेती हो गया, लेकिन जो संबद्ध क्षेत्र होता है वो खेती से जो उपज प्राप्त होती है उसका अगर वो कुछ वैल्यू एडिशन करता है तो उसको हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर जो वैल्यू एडिशन नहीं बल्कि खेती से ही रिलेटेड जो ऐसी कुछ एक गतिविधियाँ होती हैं जो कि जैसे माल को पहुँचाना, वेयर हाउसिंग, उसका जो है स्टोरेज करना, मतलब अगर हम अपने गेहूं है उसको स्टोर करते हैं, या फिर परिवहन के द्वारा जो है परिवहन के साधनों द्वारा हम उसको भाड़ा उसका देते हैं, तो ये सभी चीज़ें उससे रिलेटेड ही हो जाती हैं। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह वाला जो चीज़ें हैं तो ये सब कृषि से ही रिलेटेड हो जाती हैं। तो ये हो जाता है कृषि व संबद्ध क्षेत्र। इसी प्रकार से दूसरा एक होता है वानिकी, मतलब वन या वन से जुड़े हुए जो भी उपज होते हैं, वो जैसे मान लीजिए कि लकड़ी वगैरह को बेचना या आपका जो बांस है उसको जो है उपजाना और बेचना, ये सब चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं प्राइमरी सेक्टर में। इसी प्रकार से माइनिंग का जो है उसको खनन बोलते हैं। तो खनन का मतलब जैसे मान लीजिए कि
अगर हमें आयरन ओर को निकालना हो, वो जो है जमीन से अगर निकालना हो, एक कोयला निकालना हो, तो वो सारी एक्टिविटीज भी प्राइमरी सेक्टर का ही हिस्सा होती हैं। इसी प्रकार से जो हम लोग देखते हैं कि मत्स्य पालन एक है, मत्स्य पालन का मतलब मछली को पालना, ठीक है, तो मछली पकड़ना, मछली पालना, तो ये जो है ये ऐसी गतिविधियां हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। कई लोगों की आजीविकाएं इस पर निर्भर होती हैं, ठीक है, लेकिन इन सभी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कृषि व संबद्ध क्षेत्र। इसीलिए कई बार क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर को प्राथमिक क्षेत्र तो बोलते ही हैं, उसके साथ में इसको कई बार कृषि व संबद्ध क्षेत्र भी बोल दिया जाता है। तो कई बार यही केवल आ जाता है कि प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, तो कृषि व संबद्ध क्षेत्र, तो ऐसा प्रश्न आया हुआ है पहले भी। उसके अलावा अगर हम लोग देखें कि प्राकृतिक, इसको जो है प्राइमरी सेक्टर में हम लोग का ये प्राकृतिक संसाधनों संबंधित चीजें हो गई, कृषि व संबद्ध क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगला जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उस पे आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को द्वितीयक क्षेत्र भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को द्वितीयक क्षेत्र भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए सेकेंडरी सेक्टर जो है उसमें क्या गतिविधियां आती हैं, तो जो भी हमें प्राइमरी सेक्टर से जो भी चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें खेती से जो है गेहूं मिला है या फिर कुछ भी मिला ऐसा, और या फिर जैसे मछली है या इनसे लकड़ी मिली, या खनिज से जैसे मान लीजिए कि लोहा का जो है आयरन ओर मिला, यानी जो रॉ मटेरियल है वो मिला, तो इन सभी चीजों से अगर हम लोग कोई उद्योग स्थापित करते हैं जहां पर इनके उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर के जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद हैं, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करना, कच्चे माल के रूप में प्रयोग करना और उसमें वैल्यू एडिशन करना, यानी उसके मूल्य में वृद्धि करना। वैल्यू एडिशन मतलब कि जैसे मान लीजिए कि संतरा होता है हमारे यहाँ, संतरा से हमने जो है जूस की फैक्ट्री लगा ली, तो वो हो गया हमारा औद्योगिक क्षेत्र। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि आयरन होता है, आयरन माइनिंग जो करता है वो आ गया प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन उसी आयरन से हम लोग जो है एक कोई स्टील फैक्ट्री लगा लेते हैं, या फिर हम लोग जो है उस आयरन से हम लोग जो है गाड़ियां बनाते हैं, वाहन उद्योग स्थापित कर लेते हैं, तो वो जो है फिर उद्योग में आ जाता है, यानी सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। और ये सारी ही गतिविधियां जो है वो इनमें बेसिकली ये जो है दो, एक तो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा आपका जो निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, तो इनसे बेसिकली ये दोनों जो है जुड़े हुए रहते हैं। इनमें क्या होता है कि या तो जो है किसी प्रोडक्ट का, जैसे मान लीजिए अगर पेन भी बन रहा है तो ये जिस कंपनी में बन रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर कहा जाएगा, ठीक है। और इसी में जो है, लेकिन जब इसका ये जो इसकी चीजें थी, एक एक चीज जो जहां से लाई गई, अगर कुछ ऐसा किया गया मान लीजिए कि कोई ये लकड़ी ही है, तो लकड़ी का ये जो व्हाइट बोर्ड जिस कंपनी ने बनाया वो आपका आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि वो एक उद्योग लगा रहा है, लेकिन वो लकड़ी जहां से आई वो आ जाएगा आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से, अब मान लीजिए कि इसी को किसी ने बेचा हमें, वो सेल्समैन था, उसने हमें एक सर्विस प्रोवाइड की, साथ में वो हमें इसकी सर्विस, जैसे उसको समय समय पर अगर वो कुछ उसमें एडिशन हमें करवाना है, उसका एक हमें आफ्टर सेल सर्विस देता है, तो वो आ जाता है सर्विस सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। तो अभी पहले इसको देखिए कि सेकेंडरी सेक्टर जो है उसमें क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र के जो भी उत्पाद हैं, इसके जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसको अगर यहाँ पे कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है, साथ में उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ जोड़ा जाता है, उसका वैल्यू एडिशन किया जाता है, तो वो आ जाता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। और इस सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली आपका जो विनिर्माण और निर्माण की गतिविधियां होती हैं। विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो वो आ जाता है विनिर्माण में, ठीक है। जैसे मान लीजिए माइक बनाया जा रहा है तो वो विनिर्माण का चीज हो गया,
और वही कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, इसमें जैसे कि मान लीजिए रोड बन रही है, डैम्स बन रहे हैं, या घर बन रहा है, या एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो ये सब जो है वो विनिर्माण में आ जाता है। तो ये सारी जितनी भी गतिविधियां होती हैं ये आ जाता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में। इसी को औद्योगिक क्षेत्र भी बोला जाता है, इसी को औद्योगिक क्षेत्र भी बोल दिया जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसको बोल दिया जाता है। तो यानी सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, इसमें देखिए दो तरह के जो श्रमिक होते हैं वो कार्यरत होते हैं, श्रमिक जो है वो दो तरीके कार्यरत होते हैं। अच्छा, इधर देखिए, इधर जो सेकेंडरी सेक्टर में उनमें जो श्रमिक कार्यरत होते हैं, एक तो ब्लू कॉलर जॉब होते हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स वाले होते हैं, और दूसरा होता है वाइट कॉलर जॉब। वही अगर जो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको बोल दिया जाता है रेड कॉलर जॉब। तो प्राइमरी सेक्टर में काम करने वालों को बोला जाता है रेड कॉलर जॉब, और वही इनमें जो सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं उनको बोला जाता है ब्लू कॉलर जॉब या फिर वाइट कॉलर जॉब। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो ब्लू कॉलर जॉब होती है वो ऐसी जॉब होती हैं जिनमें कि आपका जो डेली वेजेस वाली होती हैं, जिनमें कि मेहनत ज़्यादा लगती है। जैसे निर्माण के क्षेत्र में जो लेबर होंगे, या फिर जो कारपेंटर होंगे, वेल्डर होंगे, प्लम्बर होंगे, ये सारे जो भी हैं वो सब जो है ब्लू कॉलर जॉब में आते हैं। जनरली एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रिटेन वगैरह में ईजाद हुआ, जिसमें कि जब देखा गया कि वहाँ के जो जो लोग डायरेक्ट ऐसे कामों में उलझे हुए थे जिसमें डर्ट या गंदगी जो है वो लगने की संभावना होती थी, तो वो लोग डार्क कपड़े पहन लेते थे, ब्लू शर्ट पहन लेते थे, तो वहाँ से ये टर्म निकल के आ गया ब्लू कॉलर जॉब। वही अगर किसी कंपनी में, उद्योग में जो ऑफिशियल्स यानी ऑफिस के अंदर बैठने वाली जो जॉब्स होती हैं वो वाइट कॉलर जॉब बोल दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो है आपकी वाइट कॉलर जॉब हो जाती हैं। इसमें आपका जैसे तमाम आ सकते हैं, जैसे कि आपका मेडिकल की फील्ड का, जैसे चिकित्सा का आ जाता है, उसको भी वाइट कॉलर जॉब बोल दिया जाता है, या फिर जैसे और जो भी मैनेजमेंट वगैरह वाले हैं वो सब जो है इसमें आ जाते हैं। तो ये ऑफिशियल जॉब्स जो होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टर्शियरी सेक्टर जो है वो क्या है। तो देखिए, टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र, यहां पे आप लोगों को दोनों ही नाम लिखने की जरूरत है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर के अंदर बेसिकली सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए गतिविधियां आती हैं। तो ये सेवा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियां, सेवा क्षेत्र का मतलब कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना आम नागरिकों को या कंपनीज को, वो जो है ऐसी गतिविधियां आती हैं टर्शियरी सेक्टर के अंदर, जैसे बैंकिंग हो गई, बैंकिंग हो गई, बीमा हो गया, बैंकिंग इंश्योरेंस हो गया, या फिर होटल्स हो गए, जैसे होटल्स हो गया, या रेस्टोरेंट हो गए, रेस्टोरेंट, या फिर जैसे आपका टूरिज्म हो गया, टूरिज्म भी इसी में आ जाता है, एजुकेशन जैसे हो गया, तो जैसे हम लोग ये पढ़ा रहे हैं तो एजुकेशन वाला भी जो है ये टर्शियरी सेक्टर का हिस्सा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आपका एजुकेशन हो गया है, और आपका अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसी का हिस्सा हो जाता है, मतलब गवर्नमेंट जो भी सर्विस प्रोवाइड करा रही है तो वो भी इसी का हिस्सा होते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही जो डिफेंस की सर्विसेज होती हैं, यानी अगर गवर्नमेंट हमारी हमें रक्षा कर रही है हमारी और सैनिकों की नियुक्ति कर रही है, तो वो भी जो है इसी का हिस्सा हो जाते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की जो सेवाएं होती हैं वो सभी जो है आपका टर्शियरी सेक्टर का हिस्सा होती हैं। और चूंकि ये सेवा क्षेत्र से जुड़ी होती है इसलिए इसको दूसरा नाम जो है सेवा क्षेत्र भी बोल दिया जाता है, सेवा क्षेत्र, ठीक है, या सेवा क्षेत्रक ये भी बोल दिया जाता है, सेवा क्षेत्रक, क्योंकि सेक्टर को इंग्लिश में कई बार क्षेत्रक बोल दिया जाता है।
तो देखिए पिछली बार का जो पेट का परीक्षा हुई थी उसमें सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें एक प्रश्न यही था कि सेवा क्षेत्र जो है वो किससे संबंधित है, तो तृतीयक से, या शायद तृतीयक दिया था और सेवा से पूछा था। तो ये हो गया आपका जो मेन क्लासिफिकेशन है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, वो हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कि कुछ विद्वान जो है अब चतुर्थक और पंचक क्षेत्र भी इसमें जोड़ देते हैं। तो देखिए चतुर्थक और पंचक क्षेत्र, तो चतुर्थक जो है उसको इंग्लिश में क्वार्टरनरी भी बोलते हैं, क्वार्टरनरी सेक्टर। तो क्वार्टरनरी सेक्टर जो है वो हालांकि आपको कई बुक्स में हो सकता है कि ना भी मिले, लेकिन कुछ एक जो एडवांस बुक्स हैं उनमें इनको देखने को मिलता है, तो हम लोग समझ लेते हैं समझने में क्या जा रहा है। तो क्वार्टरनरी सेक्टर जो है वो दरअसल क्या होता है कि जो टर्शियरी सेक्टर अभी हम लोग ने पढ़ा सेवा क्षेत्र वाला ही, उसी का एक एडवांस वर्जन आप लोग कह सकते हैं। इसमें बेसिकली जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री होती है उसको बोलते हैं, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनको हम लोग ध्यान में रखते हैं, और ये सेवा क्षेत्र का ही उन्नत संस्करण है, सेवा क्षेत्र का ही उन्नत रूप है, यानी टर्शरी सेक्टर का ही है। इसीलिए इसको अलग से क्लासिफाई भी नहीं किया जाता है, ज़्यादातर विद्वान नहीं करते हैं। तो ये जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कि मान लीजिए जो मैनेजेरियल स्किल्स हैं या टेक्निकल स्किल्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए टेक्निकल स्किल्स हैं या मैनेजेरियल स्किल्स हैं, ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स हैं, ये सब आपका आ जाता है क्वार्टरनरी सेक्टर्स में, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स का मतलब जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है, तो ये आपका चतुर्थक क्षेत्र में आ जाता है। मैनेजरियल स्किल्स मान लीजिए कोई पोर्टफोलियो मैनेजर है, पोर्टफोलियो मैनेजर क्या होता है किसी को, बल्कि म्यूचुअल फंड मैनेजर भी अगर हम कह दें तो गलत नहीं होगा, म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है कि ये हम लोग ऐसे डिटेल में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, तब हम लोग को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बस ये समझ लीजिए कि हमारे फंड्स को मैनेज करने वाला। इसी प्रकार से टैक्स मैनेजर होते हैं, तो ये भी आपके हो गए, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये जो है आपका क्वार्टरनरी सेक्टर में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक अंतिम सेक्टर बचता है, वो है पंचक क्षेत्र यानी क्वाइनरी सेक्टर, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पंचक क्षेत्र क्वाइनरी सेक्टर, तो पंचक क्षेत्र में देखिए जो बहुत ज्यादा एक हम कह सकते हैं कि उच्च किस्म की जो सेवाएं होती हैं उनको रखा जाता है, उच्च किस्म की सेवाएं जो होती हैं उनको हम लोग पंचक क्षेत्र में रखते हैं। तो देखिए सेवाएं तो ये भी हैं, तो यानी कि है ये भी कहीं ना कहीं थर्ड टर्शियरी सेक्टर का ही हिस्सा, लेकिन एक अलग कर दिया गया है। तो देखते हैं कि उच्च किस्म की सेवाएं जो होती हैं, और ये हाईली मतलब हाई लेवल की होती हैं, तो इसलिए इसको गोल्ड कॉलर भी बोल देते हैं, गोल्ड कॉलर जॉब। तो जो भी आपके जो सीनियर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या हाई लेवल के गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं, यानी जो सीनियर आईएएस ऑफिसर जैसे हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए सीनियर, तो उनको भी इसमें रखा जाता है। सीनियर हाई लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रखा जाता है इसमें, ऑफिसर्स जो होते हैं उनको रखा जाता है। उसके साथ ही हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जो प्राइवेट कंपनीज के जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके जो टॉप के जो मैनेजमेंट वाले होते हैं, के टॉप मैनेजमेंट जो होता है उनको रख दिया जाता है, यानी वहाँ के जो हाई लेवल के जो भी अधिकारी होते हैं मैनेजर्स होते हैं उनको भी इसमें रख दिया जाता है। इसी प्रकार से लीगल एडवाइजर्स होते हैं, लीगल एडवाइजर्स जो हाई लेवल के हैं उनको रख दिया जाता है। तो इस तरीके का हम लोग देखते हैं कि जो है क्वाइनरी सेक्टर जो है इसमें बहुत जो उच्च किस्म की सेवाएं, जैसे मान लीजिए आपके ये जो इसरो वगैरह हैं इनके जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट को भी इसमें रख दिया जाता है, या फिर कोई स्कॉलर है रिसर्चर है बड़ा,
उसको रख दिया जाता है इसमें। तो ये सभी जो आपकी सेवाएं हैं ये रखी जाती है पंचक क्षेत्र में। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि मानव की जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी गतिविधियां वो करता है, आर्थिक गतिविधियां, ये समझिएगा कि आर्थिक गतिविधियां मतलब जो कहीं ना कहीं उसकी इनकम में योगदान कर रही हैं, इनकम क्रिएशन में योगदान कर रही हैं, तो वो सभी आर्थिक गतिविधियों को पांच सेक्टर में, मेनली तो वैसे तीन ही सेक्टर में बांटा जाता है, जो कि ये प्राइमरी सेक्टर, यानी अगर वो खेती किसानी से जुड़ी हुई या फिर खनन से जुड़ा हुआ अगर कोई वो उद्यम कर रहा है तो वो आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में, जिसको हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। उसमें संलग्न श्रमिकों को कहते हैं, उसमें जो भी संलग्न लोग होते हैं उनको कहते हैं रेड कॉलर जॉब वाले, ठीक है। उसी प्रकार से सेकेंडरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हमारा औद्योगिक क्षेत्र भी कहलाता है, क्योंकि उसमें जो प्राइमरी सेक्टर से जो भी उपज प्राप्त होती है उसको कहीं ना कहीं कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसमें वैल्यू एडिशन किया जाता है, तो इसलिए उसको सेकेंडरी सेक्टर बोला जाता है। और उसमें जो आपके ब्लू कॉलर जॉब और वाइट कॉलर जॉब दोनों आते हैं, ठीक है। और टर्शियरी सेक्टर जो है वो हमारे किसी ना किसी प्रकार की सेवा देने से संबंधित होता है, और उसमें जैसे आपका बैंकिंग, बीमा और जो चिकित्सा, पर्यटन, ये सारी चीज़ें हैं वो आपका टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा अगर जो हमारी जनसंख्या इन्वॉल्व्ड है, तो सबसे ज़्यादा अगर जो हमारी जनसंख्या इन्वॉल्व्ड है वो है प्राइमरी सेक्टर में। जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा कहीं पर लगी हुई है, यानी जनसंख्या को सबसे ज़्यादा जो रोजगार प्रदान करता है वो करता है प्राइमरी सेक्टर, यानी खेती वेती जो की जाती है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहीं पे लगी हुई है। और अगर इनकम में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कोई करता है, यानी नेशनल इनकम में जो सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है, तो वो होता है टर्शियरी सेक्टर का सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है टर्शियरी सेक्टर का। ये दिखाई पड़ रहा है आपको? हाँ, तो देखिए जो सर्वाधिक जनसंख्या को जो रोजगार प्रदान करता है वो प्राइमरी सेक्टर कराता है, और वही जो सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन करता है नेशनल इनकम में वो है टर्शियरी सेक्टर। पहले ऐसा नहीं था, जब देश आज़ाद हुआ था तब सबसे ज़्यादा योगदान जो नेशनल इनकम में करता था वो प्राइमरी सेक्टर ही करता था। लेकिन धीरे धीरे चूँकि जो है वो अब कंप्यूटर और इन सब चीज़ों का ज़माना है, सर्विस इंडस्ट्री का ही ज़माना है, तो इसलिए अब कहीं ना कहीं टर्शियरी सेक्टर की योगदान जो है वो हमारे नेशनल इनकम जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये हमारा रहा आज की क्लास, जिसमें हम लोग ने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस किया, और जल्दी हम लोग अपनी अगली किसी क्लास में आ रहे होंगे जिसमें हम लोग इसके आगे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।